हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। ये टॉपिक भी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित एक या दो प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अब इसका ये कब से प्रारंभ हुआ है टूर्नामेंट, तो ये 1877 से प्रारंभ हुआ है। विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 24 जून से 14 जुलाई 2024 के मध्य हुआ। अब इसमें महिला एकल अर्थात वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता, तो वुमेन सिंगल का खिताब जो है बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो वहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, वहाँ पर हमारा उत्तर होगा बारबोरा क्रेजिकोवा। अब दूसरी तरह से प्रश्न कैसे बनता है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा का संबंध किस देश से है, तो वहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, चेक गणराज्य। अब आते हैं पुरुष एकल मैन सिंगल पर, तो विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जो है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन के एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। ये 21 वर्ष के हैं और इन्होंने किसको हराकर जीता, तो इन्होंने नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर जीता। अब यहाँ पर प्रश्न किस तरह से फेम होता है कि विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो वहाँ हमारा उत्तर क्या होगा, कार्लोस अल्काराज। इसी प्रकार प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से है, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, स्पेन। इसी तरह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो वहां हमारा उत्तर क्या होगा, सर्बिया। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट अफेयर सिंधी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।